बर्थडे वाला केक कट करेंगी कवल, क्योंकि आइजल को पूरे दो दिन हो चुके हैं। अभी हमारे बेबी की दो दिन वाली बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? चलो चलो जी, दो चलो 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 चलो, हाथ निकालो, हाथ आइजल को पकड़ के। चलो जी, आयशा बाशी। चलो इसको हम लोग जलाएंगे नहीं, क्योंकि इसने पहले भी सारे केक का खाना खराब कर दिया। इसको बस ऊपर लगा रहे हैं। हाँ जी, एक और मेहमान आए हैं, मिनाहिल बहन। मुझे बताएं, खाला है कि फूफो है? नहीं, खाला की फूफो, एक चीज खाला, यार। मैं फिर जा रहा हूँ, ठीक है? ओके, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, वेलकम पर गई है। नहीं चलो ठीक है, मेरे पे। अच्छा, किस पर? कमल पर। तुम्हें क्या लगता है किस पर गई है दानियाल? देखा नहीं है। हाँ, सारे कह रहे हैं कि मेरे पर गई है बच्चे। हाँ जी, ये सही। देखो ये दोनों क्या बनीनपुरी नहीं हुई? अमिया बनी हुई है, अमिया। वो अम्मी बन के इधर एक्सपर्ट हो गए। अभी अभी स्टार्ट है। चलो माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीबों वाला बच्चे करे दोनों के, खुश रखे आप दोनों को। आमीन आमीन। तो आपको कैसा फील हो रहा है मामा बनके? मुझे कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। वैसे माओ को ज्यादा फील होता है। हाँ जी। खास करके जब आप सारे 9 मंथ की कंडीशन से गुजरे, फिर उसके बाद आपको इतनी अल्लाह की तरफ से तकलीफ हो, फिर अल्लाह की तरफ से रहमत या नेमत आपके सामने आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट फीलिंग। मैं कह रही हूँ, अभी गोद में भी नहीं आई थी, मुझे उन्होंने ऐसे दिखाया था तो मेरी सारी तकलीफ खत्म हो गई थी। मुझे तो एजल से मिलके ना मेरी बाबा बन के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पता चलता है कि आपकी जिंदगी में आप मतलब जिसका आप अपने से ज्यादा जिसके मुतालिक सोचते हैं, ऐसा कुछ शख्सियत जब आपकी जिंदगी में आती है ना, तब आप बाप कहलाते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा आपका साया जो है ना एजल पे सलामत रखे।